नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष आपके लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं और नव वर्ष आपके जीवन में खुशियां लाएं और आप सदा निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना है हमारी और भगवान जी आपकी सब दुखों को दूर करें। इसके साथ ही आज मैं आपको यहाँ पे एक भांट का पौधा जो मैंने इससे पूर्व में वीडियो डाली थी उसके लिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो पहचान के लिए मैं लाया हूँ क्योंकि इस पत्ते में फूल भी आ चुके हैं इस पौधे में, तो इस वजह से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, पत्ते से पहचान नहीं रहा था, मैं फूल से पहचान करा दूंगा। तो इसके लिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं मैं पहले आपको बता दूँ। जैसे किसी का शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, 350-400 ज़्यादा रहता है तो कम नहीं हो रहा है, इंसुलिन लेना पड़ता है, तो एक तो हम इसको यूज कर सकते हैं और कुछ लोगों को इंसुलिन लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं रहता है, कुछ ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं कुछ पेशेंट लोग की इंसुलिन की वजह से, वो शुगर के लेवल की वजह से। तो उसमें ये पत्ता बहुत ही कारगर है और इसे मुझे एक डॉक्टर ने बताया था, जो मेरे एक दोस्त मान लीजिए या भाई मान लीजिए होम्योपैथिक डॉक्टर, उन्होंने ही बताया था कि इसके आधे बड़े पत्ता है तो आधा नहीं तो छोटा है तो एक पत्ते का इसको आप दे सकते हैं पीस करके सुबह खाली पेट, तो इससे आपके इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और शुगर कम हो जाता है लेवल। तो ये पत्ता देखिए, अगर इतना बड़ा पत्ता है तो आप एक ले लीजिए, बड़े पत्ते हैं तो इसको आधा ले सकते हैं। पीछे से इस कलर में होता है, आगे से ये इस कलर का होगा और इसका पौधा तो आप लोगों को पता ही है, प्रीवियस मैंने बता रखा है वीडियो में। और फूल में देख लीजिएगा, ये फूल अच्छी तरीके से आप पहचान कर लीजिएगा, बीच में इसमें लाल रंग का है और इसमें ये ऐसे से निकले हुए हैं। ये देखिए, आजकल पूरा कहीं पे भी इसका पेड़ होगा हिंदुस्तान में तो फूलों से भरा होना चाहिए, मौसम के हिसाब से, जहाँ मौसम हम उत्तराखंड में हों और इस हिसाब से अगर जलवायु जहाँ पे भी होगी तो इसके फूल खिले होंगे। और यहाँ पे तो ये देखिए सड़कों किनारे बहुत ही पेड़ मिलते हैं जगह जगह, कुछ क्षेत्र में नहीं मिल रहे हैं। वहाँ से भाई बहन लोगों का आ रहा था फ़ोन कि हमें पहचान नहीं हो पा रही है, तो मैंने कहा व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज दो उस बता दूंगा, फिर भी क्लियर नहीं हो पाता तो आप फूल से देख सकते हैं। और ये हमारे यहाँ तो ये देखिए गेहूँ का खेत है, ये सारा गेहूँ लगा पड़ा है और यहाँ पे ये नाला है, तो जहाँ भी नदी नाले होते हैं सब जगह मिल जाते हैं इसके पेड़। ये देख सकते हैं सिंचाई विभाग वालों का नाला है तो यहाँ पे ये पेड़ लगे हुए हैं। तो मैं इसका यही बता रहा था कि इसको कंटिन्यू मत लीजिएगा, जितनी ज़रूरत है उतनी लीजिएगा और देखते रहिएगा, अगर आपका शुगर कंट्रोल हो जाता है तो उसके बाद लेने की जरूरत नहीं है। तो जो जिनको इंसुलिन लगता है वो ले सकते हैं या जिनका शुगर लेवल कम नहीं हो रहा किसी भी कारण से वो ले सकते हैं। और इसको इसके साथ ही वो आपको दवा नहीं छोड़नी, जो भी आप शुगर की औषधि ले रहे हैं या फिर कोई लिक्विड ले रहे हैं होम्योपैथिक आयुर्वेदिक तो लेते रहिएगा, वो अपनी जगह सही है और ये उसको सिर्फ कम कर देगा उसके लेवल को, यानी इंसुलिन का काम करेगा, आप ये समझ लीजिए। और बाकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, नहीं पहचान हो पाती है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। और अभी इसका एक वीडियो और डाल दूंगा मैं जब इसमें बीज आ जाएंगे कि बीज कैसे होते हैं, मान लीजिए किस समय पे किसी ने वीडियो देखा उस समय उसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो पेड़ को कैसे पहचान करेगा, तो मैं इसमें बीज वाला भी एक वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए। पुनः आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ इसके पत्ते, तो ये समय तो फूल ही फूल हो रखे हैं, फूल आपको दिख गए होंगे, ये फूल गुच्छे में होते हैं, बीच में लाल रंग का है और सफ़ेद सा है, इसमें तीन चार वो पंखेसर बोलते हैं जो धागे जैसे संरचना है दिख रही होगी आपको। तो मुझे लग रहा है आप अच्छी तरीके से पहचान जाएंगे, दूर से ही ऐसा दिखेगा आपको अगर कहीं सड़क वड़क किनारे होगा तो। ये तो इसी के साथ ही आप लोगों ने वीडियो देखा, धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है आप लोगों के काम आएगी ये वीडियो और पहचानने में आपकी सहायता होगी, सहायता मिलेगी। इसी के साथ ही आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, आपका नववर्ष मंगलमय हो।